SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ज्योति मौर्य और आलोक में समझौता हो गया है। समझौते के बाद जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य पेश हुए। जांच कमेटी के दफ्तर में वो करीब आधे घंटे तक रहे। उन्होंने जांच कमेटी को लिखित में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत वापस ले ली। आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे, क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस ली। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने वापस कर लिया। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर। जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर के कोई बातचीत चल रही है? सर मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वजह क्या है? वजह क्या है? तो कुछ होगी ना, वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी इसको लेकर के? समझौता हुआ है? सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान पर घमासान छिड़ गया है। ऐसे में एक तरफ तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, तो कुछ दिन पहले डिंपल यादव का दिया गया बयान वायरल हो रहा है। इस्लामाबाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण ही इस्लामाबाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही माने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों को अपने भ्रम के मकरजाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। श्रावस्ती में छुट्टा गायों को लेकर किसान यूनियन धरने पर है। किसान यूनियन की अगुवाई में सैकड़ों किसान ब्लॉक मुख्यालय परिसर में बैठकर धरना दे रहे हैं। गौवंश को तत्काल रोडों से उठाकर गौशाला में डाला जाए, अन्यथा इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में 21 तारीख के बाद हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जनपद श्रावस्ती में गौवंश को लेकर। अगर गौवंश रोड में और किसानों के खेत में मिली तो मैं चक्का जाम करूंगा पूरा, दोनों हाईवे रोड, इगौना बैराज हाईवे रोड और भीगा बैराज, ये दोनों रोड जाम होंगे, इसका जुम्मेदार शासन प्रशासन होगा। सावन के आखिरी सोमवार में काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। मंदिर के बाहर 4 किलोमीटर लंबी भक्तों की लाइन लगी, तो वहीं रुद्राक्ष से बाबा विश्वनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया। चमोली बॉर्डर पर महिलाओं ने वीरों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। सीमा से लगे गांव की ग्रामीण महिलाओं ने सरहदों की रक्षा कर रहे सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें आशीर्वाद दिया।